और अब आपको सीधे दिखाते हैं तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की। मुख्यमंत्री आ चुके हैं और जो बजट से पहले की प्रक्रिया होती है ये देखिए, और ये सीएम आवास से लाइव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर सीधे आप देख रहे हैं। जो कॉपियां हैं बजट की और जो बंडल था उसको मुख्यमंत्री खोलते हुए, और आज बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से और इन पर साइन करेंगे सीएम। ये बजट पेश करने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, विधानसभा पहुंचने से पहले सीएम आवास पर अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी, तो हरियाणा का ये बजट बहुत खास रहने वाला है। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की इस बजट को लेकर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा और इसी साल हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो इस बजट को चुनाव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब चुनावी साल होता है तो उस साल ये उम्मीद की जाती है कि जनता के लिए कुछ और स्पेशल घोषणाएं की जाएं, कुछ और ऐसे कामों का ऐलान किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम चाहे चुनाव हो या ना हो हमेशा जनता के हितों की बात करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो आज के इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, बजट किस तरह का होगा, विपक्ष क्या कुछ कहेगा, क्या बजट में वाकई में लोगों को कुछ चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी, क्योंकि इस तरह के भी चर्चाएं थी, इस तरह के भी कयास थे कि इस बार कुछ ऐसे ऐलान होंगे जो हरियाणा की जनता के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हों या फिर महंगाई वगैरह को लेकर कुछ ऐलान हो, और किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ स्पेशल घोषणाएं हो सकती हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर। बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और अब थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। बतौर वित्त मंत्री वो अपना इस सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे। कितने लाख करोड़ का ये बजट होगा, अगर बात की जाए तो ये बजट बहुत ही अहम है। कल अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से लाया गया था सरकार के खिलाफ, वो अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया था विधानसभा में और सदन से वॉकआउट कर गए थे विपक्ष के विधायक। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, खबरें अभी तक पर आप देख रहे हैं। तो आज का ये बजट बहुत अहम रहने वाला है, घोषणाएं कई सारी बजट को लेकर होंगी। ये देखिए तस्वीर, ये मिठाई पेश की गई मुख्यमंत्री के सामने, मुंह मीठा कर बजट से पहले की बहुत सी परंपराएं हैं बजट पेश करने से पहले। केंद्र सरकार का जो बजट होता है वहाँ बजट बनाने वाली टीम इतना भी समय लगता है, वो अंदर ही बैठते हैं और अंदर ही बैठ के हलवा खाते हैं, निकलते बाहर तब जब बजट बना होता है, बजट पेश कर दिया जाए तब बाहर निकलने देते हैं। लेकिन हमने अपनी टीम को पूरा खुला छोड़ा हुआ है, पूरा विश्वास है। नहीं, विश्वास तो वहाँ भी होता है लेकिन परंपरा है, परंपरा बनती है तो वहाँ वो तीन दिन के लिए इन हाउस जो स्थान होता है वहीं रहता है। तो आज भी टैप से ही पढ़ोगे?
टैप भी है, हार्ड कॉपी भी है, देख लेंगे वहाँ। हार्ड कॉपी साथ रखनी पड़ती है, कोई टेक्निकल चीज़ है तो उसमें दे लेते हैं। बहुत मेहनत की है हमारे सब स्टाफ ने, लोगों ने कोई चुनावी झलक दिखेगी साथ ही सारे विधानसभा की एंट्री पे। उस पर मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए मुख्यमंत्री, और अगर हम आपको बताएं तो 2020 और 21 का जो बजट था वो था 1,42,343 करोड़ रुपए का। फिर 2021 और 22 का बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया था हरियाणा में 1,55,645 करोड़ का। 2022 और 23 का बजट था, लगातार बजट का जो आंकड़ा था वो बढ़ता रहा। 2022 और 23 का बजट था 1,77,255 करोड़ का, और इस बार किस तरह से बजट रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले बार का जो बजट था 2023 और 24 का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया था वो था हरियाणा में 1,83,950 करोड़ का। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं, हर वर्ग को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं।